ये चल रहा है आपका, तो इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 करा रहे हैं आपका। जो टॉपिक है इसका सेट से, सेट में आपको रिवीजन में पहला सम आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है। उसमें कहा गया था कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर, एक वर्ष, ठीक है, ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगेनिंग विद लेटर जे, बिगेनिंग या प्रारंभ विद लेटर जी, ऐसे नंबरों का, ऐसे मंथ के जो है सेट जो आपके जे से स्टार्ट होते हैं। तो जे से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं हमें पता है, एक तो जनवरी, एक जून, और लास्ट क्या है, यानी हमें लिमिट मालूम है कि जनवरी, जून और जुलाई, इसके अलावा 12 महीने उनमें कोई भी हमारा क्या होता है, जे से स्टार्ट नहीं होता। तो ये कहलाता हमारा सेट, इट इज ए सेट, इसको हम कहेंगे सेट, यानी जिसकी हमें लिमिट मालूम है, जिसके बारे में हम बता सकते हैं कि इससे अधिक नहीं हो सकता, वो हमारा कहलाता है सेट। जिसके बारे में कोई लिमिट ना हो वो कहलाता है नॉट सेट। तो हमारा ये क्या हो गया, क्योंकि हमें पता है जैसे स्टार्ट होने वाले जो आपके नंबर्स हैं, मंथ के नाम है, वो केवल तीन ही है, जनवरी, जून, जुलाई, बाकी 12 महीने में कोई भी और ऐसा नहीं है जो जैसे स्टार्ट होता हो, तो आपके लिए क्या कहलाएगा, सेट, क्योंकि इसको हम जानते हैं इससे आपकी वैल्यू अटे नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर टू है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इसका ये सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट राइटर्स का आपको नहीं पता कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे ही राइटर्स मेन होते हैं, अब मेन में हमें ये नहीं पता कि कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, तो जब हम इसमें नहीं बता सकते उनके नाम तो वो कहलाता है इट इज नॉट सेट, वो सेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें है था 18, एक टीम है, क्रिकेट बैट्समैन है ऑफ द बल, थर्ड क्रिकेट बैट्समैन, या सीधे लिख देता हूं बैट्समैन, आप जानते हैं बैट्समैन क्रिकेट में ऑफ बल, तो बल के जो 10 है मोस्ट, उसके बारे में आप नहीं बता सकते कि वो 10 कौन कौन होंगे, क्योंकि सारे अच्छे होते हैं, तो जब हम किसी चीज का नाम नहीं ले सकते कि कौन अच्छा है, क्योंकि कभी कोई भी अच्छा खेल सकता है, बैट्समैन सारे अच्छे होते हैं, कब कौन अच्छे चलते हैं, तो उसको हम कहते हैं इट इज नॉट सेट, यानी हमें इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, इसको अच्छा लिख। नेक्स्ट है इसी टाइप से, अगर क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट है 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, हमें पता है कि हमारी क्लास में कितने बॉयज होंगे, जैसे हमारी क्लास में संख्या कितनी है, 52 है, तो हमें पता है सारे ही बॉयज पढ़ते हैं, तो 52 से ऊपर बॉयज नहीं हो सकते, किसी भी क्लास का है जो भी है, आप ये बता सकते हैं इस क्लास में बॉयज कितने हैं, यानी हमें संख्या मालूम होती है, ठीक, तो जब मालूम होती है तो उसको हम कहते हैं सेट, क्योंकि हम काम करके बता सकते हैं कि इस क्लास के अंदर कितने बॉयज हैं, तो वो क्या कहलाएगा सेट। दूसरा नंबर ऑफ लेस देन द कलेक्शन ऑफ ए नंबर लेस देन 100, तो 100 से लेस नंबर आप काम करके बता सकते हैं कि 1, 2, 3 इस टाइप से कहां से जाएंगे,
19 मिनट। तो हम गिन सकते हैं कि 100 से लेस कितने होंगे, 19 मिनट, 1 से लेके 99, क्योंकि उसने कहा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक है 99 तक, इससे आगे तो नहीं जा सकते क्योंकि 100 से लेस। तो हमारी लिमिट हो गई कि 1 से लेके नंबर कहां तक के होंगे केवल 99। तो हमें जब लिमिट पता है तो क्या हो गए, सेट। अगर कहता है ग्रेटर देन 100 तो ग्रेटर देन 100 हमें पता नहीं होता क्या तक लेंगे, इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉट सेट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें बताया गया कि एक सेट में जो है एज कर दो, उसमें वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 and 6। उसमें कहा गया है कि इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल, सिंबल के बिना हमें, सिंबल में दिया हुआ है एक ई है और एक ई को काट के दिखाया गया है, तो दो चीज हो गई, ये वाली ये हो गई, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसको डिनोट करते हैं बिलोंग्स टू तो है लेकिन उसको हमने काट दिया, काटने की वजह से क्या हो गया नॉट बिलोंग टू, ये पहले वाला क्या था बिलोंग्स टू। अब जैसे हमसे कहा गया फाइव, फर्स्ट पार्ट इसका है फाइव, यहां पर ब्लैंक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो फाइव ए में है या नहीं है, फाइव ए को बिलोंग्स करता है या नहीं करता। आप देखिए यहां पर ए के नंबर में आपको फाइव आ रहा है, मान लीजिए हमसे कह दिया अगर दूसरे मैं आपकी तरफ से दे देता हूँ एट, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स, तो आप ऊपर टेबल पर जाएंगे सबसे पहले, ए सेट में आपका एट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ तो इसको हम काट देंगे नॉट बिलोंग्स। फिर देखिए आगे इसका एक पार्ट और देखेंगे, अगर दिया हुआ है थ्री, थ्री देखिए आपका इस लाइन में आ रहा है या नहीं, थ्री सेट में आ रहा है, कहां पर है ये, तो जब थ्री सेट में आ रहा है तो इसको बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स करने के लिए ले सकते, और नॉट बिलोंग्स यानी नहीं आ रहा ये ई को क्या करेंगे हम कट कर देंगे, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें गिवन है राइट द सेट इन रूस्टर फॉर, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है राइट इन रूस्टर फॉर, रूस्टर फॉर के लिए हमें सबसे पहले के लिए क्या है, एक्स इज एन इंटीजर ए में, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, अब इंटीजर में हमें वैल्यू क्यों मिले -3 -3 से बड़ा हो गया, एक्स क्या हो गया इससे बड़ा हो गया, एक्स की वैल्यू -3 के बड़ी हो गई, दूसरा नीचे एक साइन हो गया, नीचे का साइन हमारा डबल हो गया, डबल मतलब होता है इक्वल, यानी वैल्यू -3 के इक्वल भी है और बड़ी भी, तो ए में हम जो इसकी रूस्टर फॉर्म लिखेंगे रूस्टर फॉर्म में अलावा सेट बना लेंगे, तो सेट में हमारा क्या होगा ए की वैल्यू -3 के इक्वल -3 से स्टार्ट हुई, अब बड़े नहीं आ गई, बड़े रहेंगे ना वैल्यू -3 से वाला -2 फिर -1 फिर 1 ऐड करते जाइए 0 फिर 1 फिर 2, देखिए हम जाएंगे कहां तक, हमारी वैल्यू क्या एक्स क्या हो गया इधर 1 डैश था छोटा हो गया किससे 7 से, नीचे उधर जाएंगे तो 7 से लेस यानी 7 से पहले वाला नंबर, तो 7 से पहले नंबर क्या होगा आपका यहां होगा 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो आपका बन गया है इसको हम बोलते हैं रूस्टर फॉर्म, द्वारा समझ लीजिए रूस्टर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं वैल्यू देखेंगे हम, इसका मतलब है कि हमारी एक्स की वैल्यू क्या है एक तो बड़ी है -3 से और इक्वल है, -3 से हमने स्टार्ट किया -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर चलते रहते हैं, अब हमें देखना रोकना कहां है, तो रोकने के लिए हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो 7 से कम है, 7 से कम यानी 7 से पहले वाला नंबर, 7 से पहले क्या आता है 6, तो हमें 6 पर रोक दिया।
ये इसकी दूसरे फॉर्म का आंसर हो गया। और देखिए इसका एक पार्ट, अगर ये हुआ एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, सेकंड पार्ट है इसमें अगर बी सपोज किया है इसने सेट को एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, यदि एक्स एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, वन से। तो वन से जब हम स्टार्ट करेंगे लेस देन सिक्स यानी सिक्स से लेस, सिक्स से लेस यानी सिक्स से पहले, सिक्स से पहले क्या आता है फाइव, फाइव तक के नंबर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सर का सेट बी इक्वल टू वन टू थ्री फोर और फाइव। और लास्ट के लिए इसका सी जो है एक बार बाकी आप अपने आप करेंगे। थर्ड सी, सी में हमसे कहा है एक्स इज दैट एक्स इज, इसमें कहा टू डिजिट नंबर, एक्स जो क्या है टू डिजिट नंबर है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन दी हुई है टू डिजिट नंबर में कि सच दैट सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट एट एट, जो भी हमारा टू डिजिट नंबर है उसके डिजिट का सम कितना होना चाहिए एट। तो हम स्टार्ट करेंगे सी दूसरे को, पहला नंबर वन से आता है, वन के साथ हम क्या लेंगे हमारा एट बन जाए, वन के साथ हमने देखा सेवन ले लीजिए एट हो गया सब नंबर भी टू डिजिट में। नेक्स्ट जब हमने इसको लिखा तो इसका दूसरा रिपीट कर देते हैं जिससे हमारी मिस्टेक ना हो, सेवनटी वन, क्योंकि इसका सम और इसका सम दोनों का ही एट। फिर वन के बाद हम कहां से लेंगे दूसरे, फिर टू के साथ क्या लेंगे बन जाए, इसका रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्सटी, फिर थ्री के साथ फाइव, थ्री फाइव एट क्या हो जाएगा फाइव थ्री, और लास्ट फोर फोर। अब हम ऐसे करेंगे फाइव थ्री तो वापस हमारा ये बनेगा। तो ये नंबर केवल ऐसे नंबर है जिनका सम कितना होगा हर टाइम का एट। अब हम इसको अगर ठीक से लिखें तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले आया सेवन, फिर आया ट्वेंटी सिक्स, फिर आया थर्टी फाइव, तो फिर आया फोर्टी, फिर फिफ्टी थ्री, फिर सिक्सटी टू एंड सेवेंटी वन। ये जो है हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी छोटे नंबर से चले बड़े पर पहुंचे। इस ऑर्डर में जो आपका ये सेट बन के आ रहा है, ये सेट हमारा क्या कहलाएगा सेट सी, और ये इसकी कौन सी फॉर्म कहलाएगी मैं लिख देता हूं थोड़ा रूस्टर फॉर्म। ओके नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर है, उसमें पहला सम दिया हुआ थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व, और राइट करना हमें पहली फॉर दिस रूस्टर फॉर्म। अब है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमारा पहला पार्ट है उसमें दिया हुआ है कोई भी सेट ए है बी है तो कोई भी मान सकते हैं थ्री फिर सिक्स फिर नाइन फिर ट्वेल्व, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बता दें। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमारा क्या होगा ए, ये हर एक में लिखना है आपको एक्स एंड जेड। अब आगे क्या एक्स क्या है ये हमें लिखना है, तो एक्स क्या है ये सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर या सीधे लिख सकते हैं एक्स इज ए नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ थ्री, यहां अगर ना चाहें तो ये एक्स इज ए नंबर, क्या नंबर है मल्टीपल ऑफ, जो भी नंबर है एक्स के वो सारे थ्री के मल्टीपल में चल रहे हैं, देखिए थ्री हो जाए थ्री, थ्री थ्री जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री हो जाए थ्री के मल्टीपल, यानी थ्री की टेबल में जा रहे हैं। और इसमें भी कंडीशन है नंबर कहां तक है हमारे ट्वेल्व, यानी इससे आगे क्या आता फिफ्टीन, एक्स जो है फिफ्टीन से लेस था, यानी फिफ्टीन से पहले क्या आएगा थ्री का मल्टीपल ट्वेल्व,
और 12 का ही हमने इसका क्या कर दिया एन, ये इसका जो है रिक्वायर सेट विद द फॉर हो जाएगा। दूसरा देखिए इसका दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 16, 32 2, 4, 8, 16 and 30 ये आप देख रहे होंगे कि टेबल तो नहीं बन रही क्योंकि 2, 2 जा 4 लेकिन 2, 3 जा 6 आना चाहिए टेबल नहीं बनी आपकी। जब टेबल नहीं बनी तो मल्टीपल नहीं कह सकते फिर क्या कहेंगे सेट वेटर फॉर्म में लिख देता हूं कि ए मैंने बताया था ये आपको हर एक में एक्स आई गेट एक्स इज इट आर क्या है इज इट 2 की पावर n। देखो अगर हम भेद चाहे यहां डाल देंगे n क्या है n जो है लेस है और इक्वल भी है इसके 5 के पावर हमारी 5 तक जाएगी यानी n की वैल्यू कहां तक गई नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट हुई और कहां तक गई 5 से ऊपर नहीं जाएगी तो 5 के इक्वल है। देखिए 2 की पावर 1 2 की पावर 2 4 2 की पावर 3 यानी 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 की पावर 3 में 2 into 2 into 2 क्या हो गया 2 जा 4 जा 8 2 की पावर 4 यानी कितनी बार मल्टीप्लाई 4 बार क्या हुआ 2 2 जा 4 यहां तक आया 4 फिर 4 2 जा 8 फिर 8 2 जा 16 कितना आ गया आंसर 16। इसी टाइप से 2 की पावर 5 यानी 30 क्योंकि इसी में एक और बढ़ा दीजिए ना यहां पर 2 लेंगे तो इसकी जो मल्टीप्लाई होगी 16 2 जा 30 यानी वैल्यू कितनी आ गई एन की लेस देन और इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखिए अब इसी टाइप का एक समूह देख लीजिए 5, 25 सेट में 125 एंड लास्ट 625। देखिए ये भी आपकी क्या है 5 की 10 नहीं होगी 5 का 5 5 का 10 होना चाहिए इसकी सेट में आपको क्या होगा ए ये आपको लिखना ही लिखना है एक्स एंड एट एक्स और क्या है इज 5 की पावर यानी कितने टर्म है हमारे ये देख लेते हैं बस 1, 2, 3, 4 तो n जो होगा हमारा क्या होगा 4 और 4 से लेस अगर ये एक टर्म होगा तो 5 पे यहाँ पर 5 हो जाता 6 होगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा ये साइन ऐसे जाता है क्योंकि इससे लेस चल रहे नीचे की तो जैसे हम समझाते हैं इसमें एन की वैल्यू कहाँ तक है 1 से लेके 2 5 की पावर 1 5 की पावर 2 2 1 लिखेंगे 5 5 जा 25 5 की पावर 3 3 1 लिखेंगे 5 5 जा और उस 25 में जो 5 से मल्टीप्लाई किया 125। इसी टाइप से 5 की पावर 4 करेंगे हम तो एक और ले लेते हैं इसकी इसके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 और ये क्या बन के आया 5 की पावर 4 यही हमने दिया था कि वैल्यू हमारी 4 तक है और 5 की पावर 4 पे ही हमारे वैल्यू का एंड हो जाता है। ये इसकी क्या कहलाती है सेट वेक्टर फॉर्म कहलाती है। ओके नेक्स्ट इसी में देखिए ये दिया हुआ है 4 नंबर दिए हुए हैं 2, 4, 6 एंड डॉट 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 अब हमें लिमिट नहीं मालूम जब लिमिट नहीं मालूम तो हम क्या लिखेंगे यहां पर ए एक्स सेट एट एक्स अब तक हमें टेबल की लिमिट मालूम होती थी कि 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो हम इसको लिख देते कि मल्टीपल ऑफ 2 लेकिन यहां पर हमारा क्या हो गया कोई भी हमें लिमिट नहीं मालूम तो ये सारे नंबर क्या होंगे एक एक छोटे आ रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या कहलाते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं एक्स इज ए नेचुरल नेचुरल तो सारे होते हैं लेकिन ये जो 2 से डिवाइड होते हैं वो कहलाते हैं इवन नंबर। तो ये सारे नंबर आपके 2 से डिवाइड वाले हैं इनकी लिमिट नहीं पता जब लिमिट नहीं पता तो हम आगे ना ग्रेटर लिखेंगे ना लेस लिखेंगे हमारा नंबर हो जाएगा इवन नंबर
और अगर यहाँ पे होता हमारा 135 से भी, तो हमारा यहाँ हो जाता है ऑड नंबर, बाकी सारा यही रहता है। ओके,